ये है पृथ्वी। पहले हम बड़े शहरों को तबाह करेंगे, उसके बाद हम पृथ्वी के लोगों को कब्जे में लेंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। जाओ हमला शुरू करो। वो सारे रोबोट्स आ चुके हैं, वो तो पूरे आसमान पर छाए हुए हैं। पता है जियान, वो सारे के सारे रोबोट्स आ गए हैं। सच में? अच्छा हुआ डोरेमोन ने उन सबको मिरर वर्ल्ड में भेज दिया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हम घर आ गए। क्या तुम लोगों को पता है वो रोबोट सेना आ चुकी है? हाँ हाँ हमें पता है, सुनियो। इंसान उस बिल्डिंग से जवाबी हमला कर रहे हैं, उड़ा दो उन्हें। वहाँ पर कोई नहीं है, तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो। बहुत हो गया, अब हमला बंद करो। बकवास बंद करो। जब तक हमले की वजह से इंसान बाहर नहीं आ जाते, तब तक तुम तबाही मचाते रहो। उनके हथियार खतरनाक हैं। वैसे कौन है जो सेना पर हमला कर रहा है? बताता हूँ, ये मेरे गैजेट का कमाल है नोबिता। ये है एकोइंग माउंटेन। ये आवाज पर रिएक्ट करती है और रोशनी और धमाके का पता लगने पर भी फायर करती है। तो रोबोट सेना के हमले का जवाब ये मशीन जोरदार तरीके से देगी? हाँ, रोबोट सेना का कोई दुश्मन नहीं है, ये गैजेट ही पूरी ताकत से उनसे लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसके सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब ये हमारा दोस्त है। अरे नोबिता, ये सब अपनी तरफ से ऐसे ही कह रहा है। पियो, गड़बड़ हो गई। रीरू अपने कमरे में नहीं है। वो कहाँ चली गई? अगर रीरू को मिरर वर्ल्ड के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? हमें इतने दिनों से एक भी इंसान नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है? रीरू का कुछ पता चला? नहीं चीफ, अभी तक हमें उसका कुछ भी पता नहीं चला है। कर सकती, मुझे अब बेस वापस लौटना है, तुम्हारे धोखे के बारे में बताना है। लेकिन रीरू, अगर तुमने ऐसा किया तो इस दुनिया में... हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस दुनिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा और मैं वैसे भी इसी काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुको, चलाओ गोली। ऐसा करने से क्या